ये कहानी ऐसे दो लोगों की है जो अलास्का की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे कोई कुकू नदी के जरिए यात्रा तय करने का प्लान किए, मगर बीच रास्ते में कायाक एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा गया। नदी की लहर इतनी तेज थी जिसके बहाव में उनका बोट उनसे अलग हो गया, पर ये इस बात से बेखबर थे इनका आगे का सफर 25 से 30 किलोमीटर होने वाला है। इतने लंबे सफर में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पार करना नामुमकिन सा था। क्या ये अपनी मंजिल पहुँच पाए होंगे? कहानी की शुरुआत हुई जून 2003 से अलास्का के कोइकुकू नदी से, जहां पर दो लोग ब्लैक स्टैनफील्ड तथा उसके पिता नील अलास्का की पहाड़ियों में कायकिंग की शुरुआत करने वाले थे, जहां से ये 25 किलोमीटर का सफर तय करेंगे वो भी एक बोट से। जाने से पहले दोनों लोग सारा सामान पैक करना शुरू कर दिए। दरअसल ये यहां पर घूमने के लिए आए थे, इनका टूर कम्प्लीट हो चुका था। सारी तैयारी हो जाने के बाद कायक को पानी में उतारे। यहां से निकलते निकलते दोपहर का समय हो गया। इस जंगल में खतरनाक भालुओं का हर पल खतरा था, इसलिए इन्होंने हथियार भी लिया हुआ है। ये पूरा इलाका खतरों से खाली नहीं था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इलाके में दूर दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी, मगर प्रेजेंट टाइम में जगह जगह पर फार्म हाउस बनाए गए हैं, पर उस समय नहीं थे। इस पूरे इलाके में अगर किसी का राज था तो वे थे जंगली जानवर। खाने पीने का सारा सामान था इनके पास, क्योंकि इन्हें नीचे पहुंचने में करीब 6 दिन लगने वाले थे। सारा सामान समेटकर दोपहर के करीब 1 बजे इन्होंने अपना सफर शुरू किया। उनकी यात्रा काफी आसान थी क्योंकि बोट पानी के बहाव में ही आगे बढ़ रहा था। इन्हें बस इस बात का ध्यान रखना था उनकी टक्कर किसी चट्टान से ना हो। उस समय के बाद इन्होंने सामने देखा कि किनारे बहुत सारे बर्फ जमे हुए हैं। इन्हें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। जहां पर ये मौजूद थे नीचे का ढलान काफी ज्यादा है, जिस वजह से पानी का बहाव भी है तेज। कुछ ही देर में बोट उनकी कंट्रोल से बाहर हो गया। अंत में जिसका डर था वही हुआ। पूरे स्पीड के साथ जमे हुए बर्फ से टक्कर हुई बोट की। दोनों लोग बोट से गिरकर पानी में बहने लगे। बहकर जब किनारे गए तो ऊपर चढ़ने की कोशिश किए, पर पता चला ऊपर का पानी जम चुका है बर्फ में, ये ऊपर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन पानी का बहाव ज्यादा समय तक उन्हें रुकने नहीं दिया। थोड़ी देर में दोनों बहकर वहाँ से दूर चले गए। ये करीब अगले 2 मिनट तक चला। स्टैनफील्ड तो किसी तरह से बहकर बाहर निकल आया, लेकिन उसके पिता का कुछ भी पता नहीं था। बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, पर वह कहीं नहीं दिखे, क्योंकि वे अभी भी पानी के अंदर थे। थोड़े समय बाद बाहर निकले, लेकिन फिर भी अपने बेटे से काफी दूर थे। किनारे जाने की कोशिश किए, मगर लगातार दूर होते जा रहे थे। स्टैनफील्ड उन्हें पकड़ने के लिए पीछा करने लगा। कुछ ही समय में नदी के बीच एक बड़ा पत्थर आया, जिसे उसके पिता पकड़ लिए। नदी की गहराई काफी ज्यादा थी, इसलिए उनका बेटा अंदर जाने से घबरा रहा था। उन्हें कैसे भी करके पत्थर को पकड़कर रहने को कहा। उस समय उन्होंने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए पानी में डूबे नहीं, जैसे तैसे करके किनारे आ गए। इस हादसे के बाद दोनों को काफी गंभीर चोटें आई थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ठंड। उसके पिता हाइपोथर्मिया में थे, ठंड से कांप रहे थे। उनका सारा सामान बोट के साथ ही नदी में बह गया, पर उनकी किस्मत अच्छी थी, अभी भी उनके पास है एक लाइटर। स्टैनफील्ड बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाया, जिस कारण उसके पिता को ठंड लगना कुछ हद तक कम हो गया। बिना बोट के नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था। जहाँ तक बात रही पैदल चलने की, तो ये पूरा इलाका पहाड़ी है। यदि ये पैदल चलने की कोशिश किए तो महीने लग जाएंगे, पर इससे भी बड़ा बात था यहाँ के जंगली जानवर, जिनका शिकार ये कभी भी हो सकते थे। फिलहाल ये कुछ घंटे तक वहीं पर बैठे रहे, अपने आप को शांत किए, ताकि आगे क्या करना है ठीक से सोच पाए। नदी के माध्यम से आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा रास्ता यही है कि इन्हें पैदल आगे बढ़ना होगा। स्टार्टिंग में उन्होंने लकड़ी की हेल्प से बोट बनाने का फैसला किया, मगर किसी हथियार के ऐसा करना आसान नहीं था, इसलिए आखिर में पैदल चलने का डिसीजन लिया। दोनों लोग वापस कपड़े पहनकर निकल पड़े जंगल के रास्ते। स्टार्टिंग में स्टैनफील्ड काफी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता था, मगर उसके 65 साल के पिता चल पा रहे थे बड़े मुश्किल से। एक्सीडेंट के बाद जख्म काफी गहरे थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, हम ज्यादा समय तक ऐसे नहीं चल पाएंगे। कुछ समय चलने के बाद रुकने का दोबारा से फैसला किया गया। 25 किलोमीटर का रास्ता काफी लंबा होता है, पर यहाँ उस रास्ते को पैदल पूरा करना था। थोड़े दूर चलने के बाद उन्होंने दोबारा से आग जलाने का बंदोबस्त किया, क्योंकि भीगे कपड़े होने से ठंड हर पल लग रही थी। लकड़ी इकट्ठा करते समय इन्होंने जमीन पर बड़े बड़े पांव के निशान देखे, जो थे किसी बड़े जानवर के, इसलिए वहां रुकने की बजाय अपना लोकेशन बदलने को सोचने लगे। वहां से कुछ दूर इन्होंने दोबारा से लकड़ी जलाई और आराम करने लगे। नंगे पांव चलने से दोनों के पैर में छाले पड़ चुके थे, चलना मुश्किल था, इसलिए आज वहीं झाड़ियों में रुकने का इरादा किए। कुछ ही समय में रात हो गई। पूरी रात उन्हें हर पल जंगली जानवरों का डर था, पर किस्मत अच्छी थी कि इनका सामना किसी भी जानवर से नहीं हुआ। रात गुजर गई, सुबह हुआ। आज इनका यहाँ पर दूसरा दिन था। दूसरे दिन इन्हें किस तरह का डिसीजन लिया जाए आ नहीं रहा था कुछ भी समझ में। कल इन्होंने सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय की थी,
अभी तो 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी बाकी है। उसके पिता पैदल चलने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनका बेटा कहने लगा कि अगर हम पैदल नहीं जाएंगे तो जाएंगे कैसे, हमें लेने कोई नहीं आने वाला। इसी बातों बातों में दोनों के बीच बहस हो गई। अंत में उसका बेटा अकेले यहाँ से जाने को कहने लगा। उसके पिता समझाने लगे यहाँ से अकेला जाना बेवकूफ़ी होगी, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से बेटे को अकेले जाने की परमिशन दे दिए। उनके पास ज्यादा कुछ सामान तो नहीं था, लाइटर मैप तथा एक टॉर्च था, उसी को लेकर अपने पिता को वहीं छोड़कर निकल पड़ा। 25 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती, वह भी ऐसे रास्ते पर चलना जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो कहीं टूटे रास्ते हों तो कहीं सूखी बंजर जमीन। शुरुआत में इनका इरादा नदी के रास्ते आगे बढ़ना था, मगर बोट के डूबने के बाद नदी के रास्ते जाने की बजाय वे सीधे बेटल्स की तरफ निकल पड़े। यहां से निकलने का एक आखिरी सहारा था वह था मैप, उसी के दिखाए रास्ते पर चलते रहे। इनके साथ हादसे हुए 24 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। 2 घंटे चलने के बाद सामने एक काफी बड़ी नदी दिखाई पड़ी, जिसे पार करके ही आगे बढ़ सकते थे। पानी का बहाव काफी तेज था, ऐसे में कुछ भी हो सकता था उनके साथ, पर यहाँ से आगे बढ़ना है तो ऐसा करना ही था। वह धीरे धीरे नदी में उतरा, बड़े सावधानी से आगे बढ़ने लगा। बीच में पहुँचने के बाद एक पल के लिए लगा वह पानी में बह जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर बहने के बाद एक चट्टान मिला, जिसके सहारे वह किनारे पहुँचने में कामयाब हुआ। दोबारा से चलना जारी किया। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता हमेशा आग जलाए रखने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में बिजी थे, क्योंकि उनके पास एक ही लाइटर था जिसे उनका बेटा ले जा चुका है, इसलिए अगर एक बार भी आग बुझी तो ये दोबारा से नहीं जला पाएंगे। उसके बाद उनके साथ कुछ भी हो या ना हो, ठंड से वे वैसे ही नहीं बच पाएंगे। उनका पूरा समय आग जलाए रखने में ही बीत रहा था, पर उसी समय उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था शायद से उनके अलावा कोई और है वहाँ। जब आवाज लगाई तो कोई नहीं था वहाँ। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी कंडीशन हर पल खराब होती जा रही थी, पर वह रुका नहीं, चलता रहा। इस समय जिस इलाके में मौजूद था वहाँ जंगली जानवरों की काफी बड़ी तादाद थी। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब उन्हें भेड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, निगाहें हमेशा आगे की तरफ रहती थी। अभी तक उसे सिर्फ आवाजें सुनाई पड़ रही थी, पर अगले पल उसे सामने दिखाई पड़ा एक जंगली भूरे कलर का भालू। ग्रिजली बियर को देखते हुए डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि भालू उसे देख लिया था। जबड़े फाड़ फाड़ कर शेर की तरह दहाड़ता हुआ बढ़ रहा था उसी की तरफ, लेकिन वह जैसे तैसे करके झाड़ियों के पीछे चट्टान के बगल में छुप गया। उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसे जिस तरफ जाना था भालू भी था उसी तरफ। आगे बढ़ने का एक दूसरा रास्ता था जो था पीछे की तरफ, पर थोड़ा दूरी पर था, पर सुरक्षित भी वही है। उसी रास्ते से भागते हुए पहुंचा पहाड़ी से बिल्कुल दूर, जहां दूर दूर तक कोई भी जानवर दिखाई नहीं पड़ा। सामने बिल्कुल खाली स्पेस था। वहां से 2 घंटे चलने के बाद पहुंचा जंगल के बीच। जंगल से निकलते निकलते करीब 1 घंटे लग गए। जब बाहर निकला तो सामने थी एक नदी जो थी पहले वाले से भी बड़ी। जब उसने मैप को देखा तो मालूम पड़ा उसने 50% दूरी कंप्लीट कर ली है। ये नदी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर इसे एक बार पार कर लिया तो आगे कोई भी दूसरी नदी आने वाली नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ होगा। अब तक उसने जितनी भी नदी को क्रॉस किया था सबकी लंबाई काफी कम थी, पर जो सामने है उससे बाहर निकलना मुश्किल का काम नजर आ रहा था। आगे क्या किया जाए समझ में नहीं आया कुछ भी। बार बार मैप में देखकर दूसरे रास्ते की तलाश में लगा था, पर दूसरा कोई भी रास्ता नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर अपने बेटे के आने के इंतजार में थे, मगर उन्हें कहां पता उनका बेटा बहुत बड़े मुसीबत के सामने है। चलते चलते इतना थक चुका था कि लेट गया जमीन पर। उसके निकले हुए 36 घंटे गुजर चुके थे। कई घंटों तक लेटा रहा, लेटे लेटे कब शाम हो गई उसे भी पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त भी उसके पिता आग जलाने में कामयाब थे। आग जलाकर रखना इसलिए भी जरूरी था ताकि कोई जानवर ना पाए आसपास। दूसरी रात भी गुजर गई, सुबह हुआ। आज इनका तीसरा दिन था यहाँ फंसे हुए। तीसरे दिन जब तक नदी को पार करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ नहीं लेता, तब तक के लिए आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। तीसरे दिन भी उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। रात हो गई। रात के वक्त उसके पिता हर रोज की तरह आग जलाए हुए थे कि अचानक से बगल की झाड़ियों में आग लग गई, पर वे सही समय पर आग बुझाने में कामयाब हुए। सुबह चौथे दिन जब स्टैनफील्ड की नींद खुली तो उसने देखा जहाँ पर वह लेटा हुआ था नदी के पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि पानी पहुँच चुका था उस तक। वहाँ से दूर बैठकर नदी को पार करने के बारे में सोचने लगा। काफी लंबे समय तक सोचने के बावजूद भी कोई भी रास्ता नहीं मिला। उसके फादर के सब्र का बांध टूट रहा था। वे इंतजार में थे कब उसका बेटा आएगा, मगर उन्हें कहाँ पता उनका बेटा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। पांचवें दिन जब लेटा हुआ था तो उसे सिंगल इंजन वाले प्लेन की आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सबसे अच्छा मौका था बचने का, चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाने लगा, मगर प्लेन उसके बिल्कुल करीब आकर चली गई। इतनी करीब थी शायद से उन्होंने उसे देख भी लिया हो, पर यह कंफर्म नहीं था। करीब 3 घंटे इंतजार करने के बाद उसने पाया वही प्लेन आ रही थी दोबारा से उसकी तरफ। जब प्लेन पास पहुंची तो ऊपर से एक बैग गिराया गया जिसमें कुछ खाने के सामान थे, उसी के साथ वॉकी टोकी
जिसकी हेल्प से वे प्लेन में बैठे लोगों से बातें कर सकते थे। उसने उन्हें बताया कि मैं तथा मेरे पिता फंसे हुए हैं 5 दिनों से। प्लेन वहां उतर तो नहीं सकती थी, इसलिए वहां से चली गई। थोड़े समय बाद वहां हेलीकॉप्टर आई, जो उसे लेकर निकल पड़ी उसके पिता को ढूंढने। लगभग 3 घंटों बाद उसके फादर मिल गए, जो जमीन पर लेटे पड़े थे। इस तरह जून 2003 को उन दोनों लोगों को बचा लिया गया। करीब 5 दिनों तक अलास्का के पहाड़ियों में फंसे रहने के बाद ये दोनों इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करने वाले इकलौते नहीं थे। इस हादसे के 1 साल बाद अप्रैल सन 2004 में कुछ इससे भी बड़ा हादसा हुआ था एक फैमिली के साथ, जो गई थी दक्षिण अफ्रीका के सूखे बंजर जमीन पर घूमने के लिए, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।